रहा मेरा पानी, उसकी मैं इसी में गर्म कर रही हूँ, ठंडा मुझसे पिया नहीं जाता। और ये सौंफ का पानी है, आप भी चाहे तो सौंफ का पानी पी सकते हैं। सौंफ अच्छी होती है वैसे, डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, तो मैं भी फिलहाल वही कर रही हूँ। ठीक है, हैं दिखाना जरा, पैसे कितने बचे, सब खर्च कर रखे? नहीं, 100 लेके गया था, मैं बस खुल ले रही। 100 लेके गया था, 200 लेके गया था, 100 का तो तेरे पास था नहीं नोट, 200 का था जो पापा ने दिया था वो थी ना, है ना। फिर जो मैंने यहाँ से पापा से वो नहीं मांगे थे, मेरे पॉकेट में नहीं गए, फिर उन्होंने 100 रुपये दिए थे, मैंने यहाँ पे रख के धर्मशाला में दिए, उसमें 40 पीस चले गए। ठीक है, और अपने 100 दे दिए थे, फिर मैं उससे और चॉकलेट मंगाई थी और उसने अपना ले लिया था बस। और जब इसको मैं खाना खाने के लिए बोलूँगी ना शाम को, तो खाना नहीं खाएगा। और फिर तूने आज खाना नहीं ना खाया, तो फिर देखना कपड़े चेंज कर अपने। मैं लंच बॉक्स निकाला और निकालना था, खाया मैंने कि नहीं खाया होगा तो तू बहुत पिटेगा, अभी मैं देख रही हूँ। जोर हो तब खुलेगा ना, जोर तो है नहीं है। चने भी बचे होंगे तो तू बहुत पिटेगा। थोड़े ये तो इतने ही तो दिए थे मैंने आलू चने, आपने इतने नहीं दिए थे, आपने इतने फूल दिए थे। तूने चपाती खाई कि किसी ऐसे फेंक आया? खाई थी आपने ना, इतने भरे हुए दिए थे और आलू मैंने पहले निकाले फिर चने खाए थे। आलू क्यों नहीं खाए तो आलू खराब लगते हैं। इसका टिफिन ये देखना, इसका टिफिन हमेशा ऐसे ही बचा हुआ होता है। नेत्र को रोज रोज क्या चीज समझाते रहे ना मैंने, दूध कप पीता, ये वाला खाली हो गया, धोना है। और बाकी मैंने पानी रखा हुआ है गर्म करने को, कपड़े धोने हैं अभी, तो ये भी गर्म हो गया है। अब इसके बाद मैं एन सी पी लगाऊँगी और उसके बाद खाना बना दूँगी। बर्तन भी धोने हैं अभी, तो पानी को थोड़ा सा और गर्म होने देती हूँ, क्योंकि यहाँ तक तो गर्म हो गया ना, लेकिन इससे नीचे जो ठंडा है अभी, तो बस 5 मिनट और तो ये गर्म हो जाएगा, तब तक मैं मुझे बर्तन धो लेती हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन अनदर ब्लॉग। और यहाँ पे जो है ना, मैंने न्यूट्री और आलू को जो है ना बॉईल करने रख दिया था, साथ में डाल दिया था टमाटर ऐसे कट लगा के, देख लेंगे आप। तो ये इसी में डाल दिया था दूध वाले पतीले में, क्योंकि फिर ये जो इसकी जितनी खुरचन होती है ना वो इसी में अच्छे से सेट हो जाती है, और टेस्ट तो खैर आपको पता ही अच्छा आता ही है। और बस अब ये गर्म होगा और इसको बिल्कुल कम पे रखूँगी मैं, और उसके बाद जो है मुझे अभी धोने कपड़े। और ये वीडियो जो आई थिंक ये है फ्राइडे का, सैटरडे का सॉरी, तो यहाँ मैंने कपड़े डाल दिए धोने को। और इसके बाद जो है ना फिर से किचन में चलते हैं और अब बनाते हैं अपना खाना, आलू न्यूट्री इन माई स्टाइल। और अभी बस मैंने कुकर रख दिया है इस पर, और साथ साथ जो है ना ये देखिए ये मेरी आलू न्यूट्री जो अच्छे से बॉईल हो गई है। अगर आप ऐसे मतलब कुछ काम कुम कर रहे हो ना, तो ऐसे रख सकते हैं इसमें मतलब ना बॉईल करने के लिए, तो टेस्ट तो आएगा ही आएगा और जल्दी बन भी जाएगा। तो मैंने इसको जो है ना कुकर में मसाला जो है बनाने को रख दिया था। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने टमाटर जो किए हुए थे ना अच्छे से बॉईल, तो जल्दी पक गए हैं। और बस अब मैं इसमें जो है ना ये मैंने आलू और न्यूट्री जो मैंने बॉईल की है वो डालूंगी, और एक दो सीटी लगा के। और जो हमारी वैसे भी आलू तो पक ही चुके हैं, और न्यूट्री आपको पता है वैसे ही सॉफ्ट होती है, तो ज़्यादा नहीं इसको टाइम लगेगा बनने में। और बस इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके सब मिक्स करूँगी, और थोड़ी देर जो है ना इसकी ग्रेवी में इसको पकने दूँगी। और आज है संडे, तो अभी जो बन रहा है प्रसाद, आटा और दूध चीनी बस ये मिक्स करके, आटे को मैंने भून लिया घी में, फिर दूध डाला है और उसके बाद दूध में पकने दिया है, फिर उसमें चीनी डाली है। तो ये रहा हमारा प्रसाद, जो कि अंदर अभी हम कान्हा जी को और माता रानी को चढ़ाएंगे। और मौसम आज का ये रहा, मौसम आज का पूरी रात बारिश हुई है पूरी रात, और सर्दियों की बारिश हुई है, अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। मैं दे देती हूँ हैंसी को खाना, इसको भूख लग रही है। इधर आ, कम हेयर माय डियर,
लिख लिख के कर सारा। मैं ले आऊंगी वो झाड़ू मारने के लिए। हाँ तेरे को मारना झाड़ू से। झाड़ू बोलता मेरे को मारने के लिए ला रहे हो। हो गया शुरू, हो गया शुरू। खड़ा और पढ़ने बैठ उधर। भगवान ही लड़का तो ना सिर्फ टाइम पास करना जानता है। सोनी ला बच्चे वो लेके आ बाहर से छतरी बोल रही मत कुत्तिया। जब तक एक झाड़ू का पटाखा नहीं मारूंगा तब तक मैं। अरे अभी लाने तो दे, लगा दूंगी तेरे को झाड़ू का पटाखा। चल ऊपर यार, ऐसी मत फालतू में ड्रामे कर। चल ऊपर पढ़ने बैठ, पढ़ने बैठ। और देख ग्लिटर जितना खराब किया ना। अब बोलती मैं तेरे पापा को कि क्यों क्यों लेके आते हो इसके लिए, सारे में ग्लिटर ग्लिटर लगा रखा है बेवकूफ ने। इतने महंगे महंगे वो कलर ले और वो लेके आना। देख वो नहीं लेके आई वो वाला कूड़ा उठाने वाला। तू डस्टिंग कर ले बेटा, मैं करूँ झाड़ू। तूने रखी कर, तू पढ़ने का कर ले अपना। पढ़ जा तो यहाँ पे जो है ना मैं लगी थी सफाई करने। मैंने कहा मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और सोनी को मैंने कहा डस्टिंग वगैरह कर ले और थोड़ा सा जो है ना मैट जो है ना ब्रश मारने वाले हो गए तो तू इनको ये कर ले और साथ साथ जो है काम जल्दी जल्दी हो भी जाएगा। और मौसम बहुत ठंडा हुआ है, बारिश बाहर इतनी लगी हुई थी ना पूरा दिन, संडे को बारिश थी। ये संडे का क्लिप है। यहाँ पे मतलब हम खाना वगैरह खा के फ्री हो गए थे और पूरा दिन जैसे आपको पता है बारिश 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 और ना कहीं जा सके ना कुछ। और जो कपड़े मैंने धोए थे वो सब मुझे कमरे में ही डाल के सुखाने पड़े, सोने के रूम में मैंने वो डाल दिए हैं। और अब सफाई करती हूँ। आपको लगता ही है मैंने वो पी थी क्या? चल अच्छा कंबल निकाल लेने मेरे को। तो ये ना कुछ पकौड़े जो बनाए हुए थे थोड़े ठंडे हो गए थे और यहाँ पे मैंने कहा इनको तवे पे सेक लेती हूँ मैं, थोड़े गर्म हो जाएंगे और चाय के साथ खाने के लिए हो जाएंगे। एक्चुअली ठंड है तो आपको पता है ठंड में चाय और पकोड़े तो अच्छे लगते ही हैं। तो बस यहाँ से बोलता मेरे को भी चाय पीनी है तो मैंने कहा चल तू भी चाय पी ले साथ में। और चाय और ये इसको दूध मिक्स करके दूँगी मैं और होगी हमारी प्लेट तैयार। अब हम खा लेते हैं और ठंड को भी इंजॉय कर लेते हैं। अब खाना पीना ही होगा ठंड में। सारा पानी पानी इकट्ठा हो गया, पहले वाइपर मारा फिर मारा। तो ये क्लिप जो है मंडे मॉर्निंग का है। हैंसी स्कूल जा चुका है और मैं एक्चुअली बेडशीट चेंज कर रही थी। मैंने कहा बेडशीट चेंज कर देती हूँ और हैंसी ना कुछ खाता भीता रहता है तो गिराता भी है तो बस इसीलिए मैंने कहा फटाफट से बेडशीट चेंज कर देते हैं और उसके बाद अपना काम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। ब्लॉग की शुरुआत तो मैं कर चुकी हूँ लेकिन मैंने अपलोड नहीं किया था और इसलिए नहीं किया था क्योंकि कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, ऊपर से मौसम ऐसा गंदा सा हुआ है और कल भी पूरा दिन बारिश होती रही है जैसे कि आपने भी देखा। और आज है मंडे और आज से है नवरात्रे शुरू, तो आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप लोगों के दुख दूर करें और
साथ में आज लाठी साईं महाराज जी का बर्थडे और उनका बर्थडे है, मतलब कि सभी जानते हैं बाबा मुराद शाह जी को, तो दो दो आज बहुत अच्छे दिन हैं। साईं जी का बर्थडे है, साथ में माता रानी का नवरात्रा जो है ना वह शुरू हो चुका है आज, शैलपुत्री का। तो और व्रत का ऐसा है कि व्रत मैंने नहीं रखा है, क्यों नहीं रखा है, क्योंकि तबीयत बीच में जो है ख़राब हो जाती है, इस वजह से मैंने नहीं रखा है व्रत। और खाली पेट मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाते रहो तो ठीक रहता है, तो इसीलिए मैंने व्रत नहीं रखे हैं। और तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, मतलब सफाइयाँ वगैरह करते और ऊपर से मौसम ऐसा ख़राब था। फिर शाम को थोड़ी देर जो हमारे पूजी हैं बीमार हैं आजकल, तो उनको पीजीआई से अभी वापस लेके आए, तो फिर मैं वहाँ पे गई थी थोड़ी देर के लिए। और बस अभी घर आई थी लंच के लिए, तो साथ में दूध लेके आई थी, आज दूध सुबह नहीं आया हुआ था, तो दूध अभी बस ये गर्म करने को रखा है, बस ये भी बॉयल हो ही गया है। और इसके बाद मैं चलती हूँ ऑफिस। और अभी तक जिसने मेरे ब्लॉग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो, और अगर आपने किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए, ताकि मेरा जो टाइम है अभी वो चैनल का टाइम जो है वॉच टाइम पीरियड जो भी है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, उसके लिए पता नहीं अभी मुझे कितना टाइम और लगेगा। बट स्लो एंड स्टडी मींस द रेस, ये जो एक वो कहावत है वो सही है, तो मैं भी उस दौड़ का भी कछुआ ही हूँ कि धीरे धीरे सही, कभी ना कभी तो हम जीत ही जाएंगे। तो चलिए मैं निकलती हूँ ऑफिस और आपसे